मित्रों, त्रिपुरा विधानसभा के 18 फरवरी को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन के मुद्दे को लेकर के त्रिपुरा की जनता के सामने है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 4.25 वर्षों के दौरान इस देश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए बिना भेदभाव के विकास की योजनाएं लागू की हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण है ये योजनाएं, इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, देश के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के पहले बहुत सारी आशंकाएं विरोधियों के द्वारा व्यक्त की जा रही थी, लेकिन पिछले 4.25 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के कार्यक्रम और जिस प्रकार की गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुई, वह न केवल सराहनीय और अनुकरणीय रही हैं, अभी तो पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया की ने भी उनको एक मिसाल माना और बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है इन योजनाओं का लाभ आम जन को मिले। इस दृष्टि से त्रिपुरा जैसे राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार अगर बनती है तो यह केंद्र और राज्य सरकार जब एक पार्टी की होती है, एक विचारधारा की होती है, तो इन योजनाओं को जमीन पर उतारने में बहुत मदद मिलती है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि त्रिपुरा की मौजूदा श्रीमान माणिक सरकार की वर्तमान की जो गवर्नमेंट है, यह पिछले 24 वर्षों से वामपंथी गठबंधन की सरकार त्रिपुरा में कार्य कर रही है, लेकिन इसको यहां पर विकास से कोई लेना देना नहीं। गरीब कल्याण के लिए इस सरकार ने स्वयं को अपनी योजनाएं नहीं चलाई, अब तो भारत सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं में भी यह बाधक बनी है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश के अंदर बेहतरीन कार्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुए हैं, वहीं मैं यहां ग्रामीण क्षेत्र में देख रहा था कि यहां के गरीबों में आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान उपलब्ध नहीं हो पाए। प्रधानमंत्री सड़क योजना, गांव की कनेक्टिविटी के लिए जो महत्वपूर्ण योजना होनी चाहिए, उस योजना के अंतर्गत भी यहां पर बहुत अच्छी प्रगति नहीं देखी गई है। इसी प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य को जो गति दी जानी चाहिए, उसमें भी त्रिपुरा में जो स्थिति होनी चाहिए थी, यहाँ पर उस लक्ष्य को प्राप्त करने में यहाँ की सरकार विफल रही है। ये योजना इस बात को साबित करती है कि विकास की योजनाओं में यहाँ की सरकार का की कोई यहाँ की सरकार की रुचि ना के बराबर है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य योजना में भी और शिक्षा के लिए भी बहुत धन दिया है, लेकिन उसका बेहतर प्रबंधन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाओं में भी केंद्र सरकार ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, जनधन योजना में प्रत्येक परिवार के पास अपना एक स्वयं का बैंक अकाउंट हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब परिवार के पास अपना रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो, इसी प्रकार से स्टार्टअप में प्रत्येक यूथ को
स्वयं ही अपने स्तर पर अपने स्वावलंबन के लिए कार्यक्रम चलाने के लिए एक बेहतरीन योजना हो। स्टैंड अप में SC ST और महिलाओं के लिए स्वयं सशक्तिकरण की दिशा में ₹1 करोड़ तक का लोन आसान किस्तों पर बैंक की ब्रांचेस से उपलब्ध कराने की योजना, यहाँ पर बहुत अच्छी प्रगति उसकी भी नहीं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रोग्रेस भी यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है। ये चीजें इस बात को साबित करती हैं कि यहाँ की सरकार न विकास पर ही ध्यान दे पा रही है और न गरीब कल्याणकारी योजनाओं को ही आगे बढ़ा पा रही है। यह सरकार यहाँ पर आज अराजकता का पर्याय बन चुकी है। इसने पुलिस का राजनीतिकरण किया है। इस सरकार ने यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था का राजकीय व्यवस्था को भी इस सरकार ने, त्रिपुरा की सरकार ने यहाँ पर पूरी तरह उसको वामपंथी कैडर के रूप में बदलने का प्रयास किया, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के साथ ये सरकार न्याय नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और वहां पर 22 करोड़ की आबादी है और हमारे पास 14 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन हम लोग अपने सभी कर्मचारियों को 7th पे कमीशन दे रहे हैं। लेकिन दुखद है कि अभी तक त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा की सरकार अपने कर्मचारियों को 4th पे कमीशन ही उपलब्ध करा पाई है। यानी जो सरकार अपने स्वयं के कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है तो जनता के साथ उसका व्यवहार क्या होगा, ये सहज अनुमान इसके माध्यम से हम लगा सकते हैं। यह सरकार पूरी तरह अराजकता को बढ़ावा दे रही है और इस अराजकता को बढ़ावा देने का ही परिणाम है कि कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पर अत्यंत बदहाल है। यहाँ पर पिछले 1-1.5 वर्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगभग 550 से अधिक बार हमले के मामले सामने आए हैं और 11 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या भी त्रिपुरा के अंदर हुई है। यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के स्वयं के क्षेत्र में भी महिलाओं पर भारी अत्याचार हुए हैं, ये घटना इस बात को साबित करती है कि कानून व्यवस्था के साथ साथ शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग करना इनकी एक फितरत बन चुकी है। आज के इस अवसर पर आवश्यक है कि त्रिपुरा के अंदर विकास और सुशासन में सबसे बड़ी बाधा यहाँ की स्वयं की सरकार, यहाँ की जो गवर्नमेंट है श्रीमान माणिक सरकार की, वह स्वयं में इसमें बाधक है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और राष्ट्रीय दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति, गांव के प्रति, गरीब के प्रति, वंचितों के प्रति, ट्राइब्स के प्रति, शेड्यूल कास्ट के प्रति, OBC के प्रति, इन सभी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के न केवल राज्य सरकारों के माध्यम से योजना चलाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती है, अभी तो केंद्र सरकार की योजनाओं को भी उन लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और इसलिए त्रिपुरा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बने, इस बात की अपील करने के लिए मैं स्वयं भी यहाँ पर आया हूँ कि त्रिपुरा जैसे राज्य के विकास के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के ट्राइब्स के लिए, यहाँ के OBC के लिए शासन की योजनाएं ईमानदारी के साथ उन लोगों तक पहुंचे और भारत सरकार की योजनाओं के साथ राज्य सरकार की योजनाएं जुड़े, जिससे विकास एक नई गति की ओर अग्रसर हो सके और त्रिपुरा भी देश के विकसितम राज्यों की श्रेणी में खड़ा होकर के यहाँ की गरीबी, यहाँ के जो लोग अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, उन लोगों को उन सुविधाओं से को उपलब्ध कराने में मदद किया जा सके। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है और मुझे प्रसन्नता है। मैं कल से यहाँ पर हूँ, मेरी इच्छा थी अन्य क्षेत्रों में भी जाने की, लेकिन मैं समय उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ। कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन का समय यहाँ के लिए मुझे उपलब्ध कराने के लिए कहा था, मैं 2 दिन का समय अपना निकाला हूँ, लेकिन 60 विधानसभा क्षेत्रों में मेरा एक साथ जा पाना कठिन है। इसलिए मैं अपील करूंगा
त्रिपुरा की जनता से कि वह त्रिपुरा के विकास के लिए, त्रिपुरा देश के विकसितम राज्यों में हो, यहां पर पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं हैं, यहां पर पावर प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा कार्य हो सकता है, यहां पर जितनी बारिश होती है उतना यहां पर सिंचाई के साधन और पेयजल की व्यवस्था लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाई है, यहां पर बेहतरीन कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हो सकता है, केंद्र सरकार के सहयोग से बहुत सारी योजनाएं यहां पर आगे बढ़ाई जा सकती हैं, फिशरी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी योजनाएं यहां के लिए बन सकती हैं, स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से यहां के युवाओं के नौकरी, रोजगार और स्वरोजगार के लिए बेहतरीन कार्य हो सकते हैं, महिलाओं में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना करके बेहतरीन कार्य महिलाओं के जिससे किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक संवेदनशील सरकार चाहिए, केंद्र के साथ बेहतरीन संबंध बना करके केंद्र की योजनाओं को यहां पर लाने वाली सरकार चाहिए। दुर्भाग्य से माणिक सरकार इसमें पूरी तरह विफल है। भारतीय जनता पार्टी राज्य के विकास के लिए, राज्य में सुशासन के लिए, राज्य में किसी भी सरकारी संस्था के राजनीतिकरण के विरोधी है, और इसलिए हम लोगों का कहना कि जनता के प्रति संवेदनशील, प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध एक ऐसी सरकार यहां पर त्रिपुरा के अंदर चाहिए, जो यहां पर माणिक सरकार के द्वारा किए गए गलत कार्यों को पूरी तरह खारिज करते हुए इस प्रदेश के विकास के बारे में पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर कार्य कर सके, और विकल्प केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बन सकती है। और इसलिए मेरी अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी लोग सहयोगी बने और एक ऐसी निरंकुश सरकार, एक ऐसी भ्रष्ट सरकार, एक ऐसी सरकार जिसने यहाँ पर अराजकता को स्वयं जन्म दिया हो, जिसने गरीबों के हकों पर डकैती डालने का कार्य किया हो, उसको एक सिरे से खारिज किए जाने की आवश्यकता है। थैंक यू, धन्यवाद। योगी जी, वो सीएम की जो कैंपेन है उसमें बोला जाता है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो यूपी में ज्यादा बड़ा है, जबकि यूपी पे बीजेपी का सरकार है, तो ऐसा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी यूपी का एग्जाम्पल दिया जाता है, अगर आप कुछ बोलेंगे। देखिए, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी हुई है, महिला संबंधी अपराध वहां न्यूनतम है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। बीजेपी की सरकार को यूपी में पिछले 10 महीने हुए हैं और 10 महीनों के दौरान यूपी में एक भी दंगे नहीं हुए, एक भी बार कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, एक भी बार वहां पर कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं जहां पर प्रशासन या पुलिस के हाथों से व्यवस्था बिगड़ी हो। कभी भी हमें सेंट्रल फोर्सेस बुलाने की नौबत नहीं आ पाई। 22 करोड़ की आबादी के स्टेट में सब कुछ नियंत्रित और स्मूथली चल सके, पर्व और त्योहार बेझिझक हर जाति, हर मत, हर मजहब के लोग वहां पर मना रहे हैं, इससे बेहतरीन स्थिति दूसरी नहीं हो सकती है। लेकिन त्रिपुरा के अंदर 40 लाख की आबादी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, यह सहज हम अनुमान लगा सकते हैं। सर, जनजातियों का स्थिति बताए जाते हैं कि त्रिपुरा से भी उत्तर प्रदेश में बहुत ही वो है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जनजातियों की संख्या एक तो कम है, लेकिन जहां पर है उनके पास वेल कनेक्टिविटी है, हमने वहां पर सड़क भी है, हमने वहां पे बिजली भी है, हर जनजातीय परिवार को हमने पक्का आवास दिया है, हर जनजातीय परिवार को हम लोगों ने व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराया है, हर जनजातीय परिवार को हमने रोजगार के साथ जोड़ करके वहां पे उनके लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था है, SC ST के लिए भी और OBC के लिए भी। यूपी में रिजर्वेशन का प्रावधान है जिसका खुला उल्लंघन त्रिपुरा की यहाँ पर वामपंथी गठबंधन की सरकार करती है, यहाँ पर SC ST OBC के उनको उनके हकों से वंचित करने का भी एक पाप यहाँ की सरकार कर रही है, जो कि यूपी की सरकार पहले ही SC ST OBC को सारी सुविधाएं वहां पर दी हैं, उनको रोजगार भी दी है, उनको नौकरी भी दी है, उनको गरीब कल्याण की हर योजना के साथ जोड़ करके अंत्योदय का कार्ड हम लोगों ने उनको उपलब्ध करवाया है, जिससे वे सभी योजनाओं से लाभान्वित हो सके। योगी जी, आपके आने से नाथ संप्रदाय का जो वोट बैंक है वो कितना मजबूत होगा बीजेपी के लिए? देखिये, यहाँ पे
35% नाथ पंथ से जुड़े हुए अनुयायी हैं। हम लोग किसी जाति मत के आधार पर वोट मांगने नहीं आए हैं, लेकिन हां यहां पर नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, नाथ पंथ के जो अनुयायी हैं, वो ओबीसी में आते हैं। उन्हें कोई भी सुविधा यहां पर यहां की सरकार ने नहीं दिया है, सुविधाओं से वंचित करके रखा हुआ है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यूपी जैसे राज्य में एससी एसटी ओबीसी को उनका हक हम लोगों ने दिया है, उन्हें हमने कनेक्टिविटी दी है, उनको हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है, उन्हें हमने वहां पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ जोड़ा है, हमने उन्हें नौकरियों में रिजर्वेशन दिया है, हर प्रकार की सुविधाएं दी हैं। आखिर त्रिपुरा में इन सुविधाओं से क्यों वंचित रखा गया है, इसका जवाब माणिक सरकार को देना चाहिए। सर आप रिलीजन पे बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, पर और दो स्टेट है नागालैंड और मेघालय, तो वहां पर नागालैंड में बैप्टिस्ट चर्च ने बीजेपी को वोट ना देने के लिए बोला है, क्योंकि ये हिंदू सरकार आरएसएस के साथ। देखिए हमारी सरकार सबका साथ और सबके विकास की सरकार है, हमारा नारा एक ही है, सबका साथ और सबके विकास का। अगर कोई इस प्रकार से समाज को बांटने का काम कर रहा है तो मुझे लगता है कि जनता को स्वयं सोचना चाहिए कि विकास नहीं बल्कि जाति मत और मजहब के आधार पर समाज को बांट रहा है, जो चुनाव की आदर्श आचार संहिता है इसका भी उल्लंघन है। इलाहाबाद में दलित सुप्रीम का सर मर्डर हुआ है। देखिए यह कोई यह मामला दलित और फॉरवर्ड का नहीं है, वह दो छात्र कुटों के आपसी विवाद का मामला था जिसमें पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की है और उस पीड़ित परिवार को 20 लाख का कॉम्पेंसेशन भी दिया है, और प्रभावी कार्रवाई करते हुए जो भी इस मामले में लिप्त हैं उन दोषियों के खिलाफ अब तक वहां पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बन गई, वहां पर एनकाउंटर बहुत बढ़ गया है, तो कानून व्यवस्था को सुधार लानी चाहिए, पुलिस प्रशासन को ऐसे व्यवहार किया जाना चाहिए, और उनको कहां तक छूट दी। देखिए कानून के अंदर एक कानून से सभी लोग संचालित होते हैं, पुलिस को कभी छूट नहीं दी गई है, लेकिन कानून के दायरे में रह करके आम जनता को सुरक्षा प्रदान करना यह पुलिस का दायित्व है। लेकिन अगर अपराधी और माफिया प्रवृत्ति के तत्व गोली चलाते हैं और पुलिस को उसका निशाना बनाते हैं, निर्दोष लोगों को निशाना बनाते हैं, तो पुलिस को भी हाथ पे हाथ धरा रहकर के नहीं बैठना होगा। मुझे लगता है कानून का राज, कानून के दायरे में रह करके प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना यह शासन का दायित्व है, और पुलिस उसी दायित्व का निर्वहन यूपी में कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि ताजमहल के नाम पर ही सही, लेकिन माणिक सरकार ने उत्तर प्रदेश का स्मरण किया और मैं माणिक सरकार को स्वयं आमंत्रित करूंगा कि वे आगरा आकर के देखें। आगरा में 370 करोड़ रुपए ताजमहल और उसके आसपास के विकास के लिए हमारी सरकार ने स्वयं उपलब्ध करवाए हैं, और वह हमारा उत्तर प्रदेश का पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है, और मेरा ये मानना है कि हमारा एक हेरिटेज टूरिज्म का एक स्पॉट है, क्योंकि भारत के मजदूरों, भारत के गरीबों, भारत के नागरिकों के खून और पसीने से ताजमहल बना है, इसलिए टूरिस्ट स्पॉट के रूप में उसको विकसित करने और वहां पर पर्यटन की सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है, और 370 करोड़ रुपए की योजना इसीलिए हमारी सरकार ने वहां के लिए क्रियान्वित की है।